हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 10 बजे से, तो आइए आपको ले चलते हैं हिमाचल की सुंदर वादियों में। आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, इनकी 2 दिन की छुट्टी थी तो हमने घर जाने का प्रोग्राम बनाया कि चलो 2 दिन की छुट्टी है तो घर जाकर मम्मी डैडी और सबसे मिलाते हैं। और चंडीगढ़ में भी गर्मी बहुत हो रखी थी तो 2 दिन ठंडे मौसम में भी रह लेंगे और गर्मी से भी राहत मिलेगी। तो सुबह हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और घर के काम कंप्लीट करके हम निकल पड़े अपनी एक्टिवा पर। वैसे आज चंडीगढ़ में भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बादल से छाए हुए हैं यहाँ भी। और जैसे ही हम कालका परमाणु क्रॉस करते हैं और पहाड़ियाँ नज़दीक आती हैं, वैसे वैसे मौसम भी ठंडा होने लगता है और हवा भी ठंडी ठंडी महसूस होती है और पता लगता है कि हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं और ख़ुद को भी बड़ा ही फ्रेश महसूस होने लगता है। तभी गर्मियों में ज़्यादा लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं तो ज़्यादातर लोग पहाड़ों में छुट्टियाँ बिताने के लिए निकल जाते हैं। और ये रही हमारी एक्टिवा, हम आधे रास्ते तक पहुंच गए तो मैंने कहा कि अब मैं स्कूटी ड्राइव करूंगी और आप पीछे बैठना। पहाड़ी रास्ते में स्कूटी चलाने का अपना ही मज़ा है, खाली रोड, पक्की सड़कें और ठंडी हवा, मुझे तो सच में बड़ा ही मज़ा आता है स्कूटी चलाने में। और स्कूटी चारों तरफ से ओपन भी होती है और हवा भी बहुत अच्छी लगती है और चारों तरफ से बड़ी अच्छी हवा आती है। तो चलिए ड्राइव करते हैं स्कूटी। और ये पीछे बैठ गए हैं और इन्होंने ब्लूटूथ स्पीकर पर अपने गाने चला रखे हैं और हम गानों को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और ऐसे मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, धुंध सी पड़ी हुई है जैसे कि अभी बारिश आने वाली हो, पर बारिश ना ही आए तो अच्छा है वरना हमें रास्ते में फिर रुकना पड़ेगा और घर पहुँचते पहुँचते हम लेट हो जाएंगे। रास्ते में हमें मक्की भुनती हुई दिखी तो हम रुक गए। पहाड़ों की मक्की बहुत ही टेस्टी होती है और इसके दाने भी बड़े ही मीठी और सॉफ्ट होते हैं, तो हम जब भी हिमाचल आते हैं और हमें रास्ते में मक्की यानी छिल्ली दिखती है तो हम ज़रूर खाते हैं। और तो हमने यहाँ पर गरम गरम मक्की भुनवाई और बहुत ही टेस्टी थी, इसके दाने भी बड़े सॉफ्ट और बहुत मीठे थे। और तो अब यहाँ पर हम मक्की इंजॉय कर रहे हैं। चलो 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 मेरे पास लो, हम तुसी चलाओ, हम पीछे बैठेंगे। मैं तो पीछे बैठ के खा लूंगी। और ये अब चलाएंगे स्कूटी और मैं पीछे आराम से बैठ के मक्की का मज़ा लूँगी, ठंडी ठंडी हवा और साथ में गरम गरम मक्की। और आइए आपको मिलवाती हूँ मैं अपनी मदर इन लॉ से। तो ये है मेरी मदर इन लॉ और ये बना रही हैं हमारे लिए अरबी के पत्ते यानी कि पतीड़, कई लोग इन्हें पतोड़ भी कहते हैं। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा नेक्स्ट डे से। वैसे तो हम कल शाम को पहुँच गए थे पर आते ही थोड़ा बिज़ी हो गए थे और तो वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पर मम्मी जी हमारे लिए बना रही हैं अरबी के पत्ते। सभी मम्मीज़ को कितना शौक़ होता है कि जब उनके बच्चे घर आएँ तो उनको अपने हाथ से उनकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाएं। और इनको और मुझे तो अरबी के पत्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मम्मी जी वहीं बना रहे हैं कि बच्चे आए हैं तो मैं इनको अपने हाथ से अरबी के पत्ते बनाकर खिलाऊँ और अपने हाथ की सब्ज़ी।
और जहाँ मैं मसाला पीस रही थी और पत्ते काफ़ी थे, क्योंकि एक बार में इतना मसाला पीसना भी मुश्किल होता है, इतना सारा मसाला एक बार में मिक्सी में आता नहीं, तो फिर इस करके थोड़ा थोड़ा करके मसाला पीस रहे थे। और यहाँ मम्मी जी पत्ते लगा रहे हैं और पत्ते तकरीबन लगी गए, अब सारे थोड़े से रह गए हैं, तो बस अब मम्मी जी पत्ते लगा रहे हैं और मैं इनको कुकर में डालकर और गैस पर रख पत्ते रही। भी काफ़ी हैं इस करके कुकर में भी, एक बारी में कुकर में नहीं आए, तो जितने रोल आए मैंने उतने कुकर में रख दिए और बाकी दूसरी बार में रखे जाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर, शाम का टाइम है और ये छत पर बैठे ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं, और देखिए कितना अच्छा व्यू दिखता है छत से। और मैंने थोड़े आड़ू काटे हैं कि छत पर बैठकर ठंडी हवा में खाएंगे। तो मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है, धुंध काफ़ी पड़ गई है, जैसे कि बारिश आने वाली हो। तो अब हम चलते हैं नीचे और आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।